झरिया के मजदूर नेता नगीना पासवान की आज 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, नगीना पासवान के पुत्र कृष्णा पासवान, जितेंद्र पासवान, दलित सेना के अध्यक्ष दिनेश पासवान समेत कई गणमान्य लोगों ने झरिया के बस्ताकोला गौशाला मोड़ पर लगे मजदूर नेता नगीना पासवान की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर पहुंची झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि नगीना पासवान मजदूर मसीहा थे। उन्होंने गरीब शोषित मजदूरों की आवाज हमेशा बुलंद की और मजदूरों को न्याय दिलाने का काम किया। आज हम सब उन्हीं के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और मजदूरों की सेवा में जुटे हैं। नगीना बाबू हम सभी के अभिभावक समान थे, वह हमेशा हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आप सब जानते हैं कि हम श्रमिकों की नगरी से हम सब लोग हैं। धनबाद हमारी श्रमिकों की नगरी है और कोयला खदानों में जो श्रमिक हैं उनके लिए, उनके हक अधिकारों के लिए जो है एक आज जो पुण्यतिथि है हमारे स्वर्गीय नगीना पासवान जी की, एक मजबूत और मजदूर नेता थे। उन्होंने यहाँ के खदानों में जो श्रमिक काम करते थे उनकी बहुत जो है मजबूती से आवाज़ उठाई। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। उनके परिवार से पुराना जुड़ाव रहा है हम लोगों का, हम सभी के एक तरीके से मान लीजिए तो यहाँ आदर्श हैं वो। उनके जिस तरीके से उन्होंने गरीब वंचित शोषित मजदूरों की आवाज़ उठाई, आज वही कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक रास्ता बनी है कि हम भी वही काम कर रहे हैं। तो सभी के लिए जो है मार्गदर्शक हैं और आज भी उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए मैं जानती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों के वो मार्गदर्शक रहे हैं। इधर मजदूर नेता नगीना पासवान के पुत्र कृष्णा पासवान ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मजदूरों पर प्रबंधक दमनकारी नीतियां अपनाते थे, उस समय मजदूरों को हक दिलाने, उनकी सुरक्षा प्रदान करने समेत कई कार्यों के लिए नगीना बाबू हमेशा संघर्ष करते रहे। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय नगीना पासवान जी का पुण्यतिथि है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि यहाँ के मजदूरों के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि 5,000 नियुक्तियाँ नौकरी जो है बैकलॉग जो रिक्त पड़ा था उनको भरवाने का काम किए 1990 में। यहीं तक नहीं, जब जनता मजदूर संघ की लड़ाई में रंगीले जयसवारा, रामरूप चमार, देवनंदन गोवाला इत्यादि 9-10 लोगों ने डिसमिस हो गया था तो उनको श्रम कल्याण और उसके बाद में सूरजदेव सिंह के समय में जो प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर जी, उसके बावजूद इन लोगों को नौकरी नहीं दिया गया। लेकिन हमारे पिताजी जब श्रम कल्याण मंत्री रामविलास जी बने तब इन लोगों को पुनः कंपनी में वापस नियोजन दिया गया। साथ ही हम दुग्धा कोलरी में 272 आदमी को कोर्ट से लड़ करके जो वर्षों से पड़ा था और उसने नौकरी नहीं दे रहा था कंपनी, रामविलास जी कोयला मंत्री बने, मेरे पिताजी उस समय बत्रा हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, रामविलास जी आए और उन्होंने हमने कागज़ दिया कि सर ये जो है गरीब गुरबा लोग इनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है और काफ़ी दिनों से लंबित किए हुए हैं। उन्होंने तुरंत फ़ोन भी किया, चिट्ठी भी लिखा और लोग नियोजन पाया और आज उनके पुत्र लोग को हम नौकरी दे रहे हैं। उनके जो कमी है उनके आदर्श हैं, हम लोग रामविलास पासवान के अनुयायी हैं और उनके नक्शे कदम स्वर्गीय नगीना पासवान जी के जो लड़ाई है उसको हम जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 272 आदमी को हमने रोजगार देने का काम किया दुग्धा कोलरी में, फिर अभी 282 आदमी को जो है पुनः हमने कोर्ट से लड़ करके उन लोग को दिया है। लेकिन उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण कंपनी उन्हें पैसा देने के लिए तैयार है, नियोजन नहीं दे रही है। होते तो जो मजदूरों में इस तरह का बिखराव हो रहा है, मजदूरों का जो मांग डिमांड रहन सहन मैनेजमेंट के तरफ से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आज नहीं होता।